अब यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, उससे पहले हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल में हो चुकी पुष्टि। कानपुर के चिड़ियाघर को बर्ड फ्लू संक्रमण मिलने के बाद किया गया सील। चार पक्षियों की मौत के बाद खुलासा। यूपी के सिद्धार्थनगर में मृत पाए गए कौए और कुछ पक्षी परीक्षण के लिए भेजे गए। यूपी में बर्ड फ्लू की आहट पर एक्शन में केजरीवाल सरकार। गाजीपुर मंडी 10 दिन के लिए बंद। दिल्ली और महाराष्ट्र में पक्षियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की जांच, सैंपल रिपोर्ट का इंतजार। केंद्र सरकार के साथ 8 राउंड की असफल वार्ता के बाद किसानों की आज नई मोर्चाबंदी। बैठक कर तैयार करेंगे नया एक्शन प्लान। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच होने वाली अगली बातचीत, उससे पहले किसानों का मंथन। सोमवार की रात पंजाबी गायक किसानों के समर्थन में करेंगे सुर साधना। टिकरी बॉर्डर पर होगा हरभजन मान, रवि शेरगिल और जेजीबी का कार्यक्रम। करनाल में किसानों से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात के पहले विरोध की आवाज। किसानों ने लहराए काले झंडे। करनाल की केमला गांव में किसान महापंचायत रैली से पहले किसान विरोध में, सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट। सीएम ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बड़ा आरोप। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले, बंगाल में फैल रहा है अलकायदा। राज्यपाल का आरोप, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे बम। राज्य में पुलिस के राजनीतिकरण का भी आरोप लगाया। बर्धमान में ममता पर गरजे जेपी नड्डा। रोड शो के बाद कहा, बंगाल में राजनीति का हो रहा है अपराधीकरण, भ्रष्टाचार में डूबी है ममता सरकार। जेपी नड्डा ने टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में बंगाली संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाया। बीजेपी को बताया बंगाली संस्कृति का सही रक्षक। बीजेपी का आरोप, किसानों के विकास में बाधा बनी दीदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा का आज दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल विस्तार, केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे चर्चा। कुछ देर बाद भंडारा पहुंचेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अस्पताल में जाकर जान गंवाने वाले 10 बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। भंडारा हादसे पर आज आ सकती है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। सामने आ सकता है बड़ी लापरवाही का सच। पुडुचेरी में कांग्रेस की उपराज्यपाल किरण बेदी से नाराजगी जारी। सीएम नारायण सामी समेत नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कुंभ में तैयारियों की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। कहा, बिहार में चुनाव हो सकता है तो फिर कुंभ का आयोजन क्यों नहीं। श्रीनगर में आज बर्फबारी थमी, लेकिन शनिवार को ही बर्फबारी से हालात अभी भी विषम। कश्मीर के बडगांव में भी सफेद संकट से राहत नहीं, सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 58 और भारत चीन रूट दोबारा शुरू। कई घंटे के ऑपरेशन के बाद हटाई जा सकी बर्फ की मोटी परत। बीआरओ ने हनुमान चट्टी से माना तक बर्फ हटाने का चलाया अभियान। करीब 5 फीट तक जमी थी परत। औली में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। बर्फबारी के बाद निकली धूप से मस्ती करते नजर आए पर्यटक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।